हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो डेली नहीं बनाता, ठीक है, पर मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि आज कुछ लर्निंग मेरे को डिलीवर करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ लर्निंग मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और टेलीग्राम्स में लेवल्स मैं दे रहा हूँ और आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप खुद से सीखो, मतलब मैं क्यों वो लेवल दे रहा हूँ ना, उसका लॉजिक मैं आज इधर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि मैं निफ्टी में ही एनालाइज करूँगा, मैं बैंक निफ्टी में नहीं जाऊँगा। आप निफ्टी को देखो, आप बैंक निफ्टी में चाहो तो खुद से सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। पहले आप बैक टेस्ट कर लो, उसके बाद आप रिजल्ट खुद देख लेना, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी का क्या है ना, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है ना कि प्राइस एक्शन को भी मतलब ना फॉल्स ब्रेकआउट मिल रहा है। मतलब क्या है ना कि एक दिखेगा कि इधर ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, उधर आकर कैंडल क्लोजिंग देगा और उसके बाद उधर ही से घूम जाएगा। मतलब यार प्राइस एक्शन भी फेल हो जा रहा है यार। आजकल का मार्केट ही कुछ ऐसा है ना कि प्राइस एक्शन तो फेल ही हो रहा है। हाँ, अभी चल रहा है क्या पता है मार्केट में, बिग बार, बिग बार, मतलब बड़ी सी कैंडल देखो, घुस जाओ, स्कैल्प करो, 3-4% निकला, काट के निकल जाओ, यही चल रहा है अभी मार्केट में, ठीक है। तो अभी मैं ये डिबेट करने नहीं आया हूँ कि स्कैल्पिंग करना चाहिए, हम लोग को ट्रेड होल्ड करना चाहिए, ठीक है, इंट्राडे टाइप का। मैं बस एक इम्पॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत पुराना हो गया, हाँ, ये डब्ल्यू पैटर्न आया, इसका ब्रेकआउट हुआ, इंट्री कर जाओ। ये ट्रायंगल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ, इंटर कर जाओ। ये वेज पैटर्न है, यहाँ पे रेंज में मार्केट घूम रहा है, यहाँ पे इसके ब्रेकआउट में इंटर कर जाओ। अरे यार, सब फॉल्स निकल रहा है यार, कितना पैसा गलाओगे। ये प्राइस एक्शन सबको मालूम है, ठीक है। अगर ऐसा होता ना, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट में अगर मार्केट मूव करता ना, तो मैक्सिमम लोग करते, ठीक है। पर अभी ये सब चल नहीं रहा है। अभी मतलब ना एक लेवल्स प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लो, एंड रिवर्स पैटर्न जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छे से मूव करता है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ऐसा स्लोली स्लोली जा रहा है, ठीक है, ये स्लोली स्लोली जा रहा है मार्केट, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पे ले घुस गए सारे रिटेलर्स, क्या क्या यहाँ से मार्केट नीचे, ये लो, ये ब्रेकआउट था ना, ये कितना अच्छा ब्रेकआउट था, यहाँ पे घुस गया, सभी लोग पोजीशन बनाए, बाय करो बाय करो बाय करो, क्या वो मार्केट नीचे आ गया। तो नहीं चल रहा है बॉस अभी प्रॉपर ना, मतलब अभी मार्केट बिल्कुल बदल चुका है। अभी मार्केट को फुल्ली अगर आपको ऑपरेटर के साथ चलना है ना, तो या तो आप वॉल्यूम को पकड़ लो, ठीक है, या तो फिर आप ऑप्शन चैन को पकड़ लो, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। आज हम लोग ना ऑप्शन के बारे में करेंगे, ठीक है, ऑप्शन चैन चेंज इन ओआई पे ही जाएंगे। आप लोगों को पता होगा जीरोधा में सेंसिबल ने सभी यूजर्स को फ्री कर दिया, ठीक है, सेंसिबल अब सभी के लिए फ्री है, जीरोधा यूजर्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग जीरोधा में जाकर क्या एग्जैक्टली देखेंगे, सेंसिबल में जाके हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा ना वो सिर्फ मार्क कर लेना है अपने को, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा ऑप्शन चैन को देखने का, ये मेरा देखो, ये अपने निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। इधर कोई भी ट्रायंगल कुछ भी नहीं, फलाना ढकाना कुछ भी नहीं यार, सब फेल हो रहा है आजकल, ठीक है। अभी ना इधर सीधा आ जाओ ऑप्शन चैन में, ये सेंसिबल है, ठीक है। इधर ना ये ओपन इंटरेस्ट का चेंज इन ओआई है, इसको छोड़ दो, इस पे हम ये देखो, ये ओआई चेंज डेटा है, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसके नीचे वाला को पहले पकड़ लो, ठीक है। ये सब बिग बार आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, चेंज इन कॉल
ओआई, पुट ओआई, ये सब ना फलाना ढकाना छोड़ दो, ठीक है। बिग बार को देखकर बस इतना समझ लो, ठीक है। रेड कैन, रेड बार रेजिस्टेंस, ग्रीन बार सपोर्ट, कहानी खत्म, ठीक है। जिस स्ट्राइक प्राइस में जितना बड़ा ग्रीन बार है उतना बड़ा आपका सपोर्ट है, ठीक है। ये बड़ा सा यहाँ पे रेड बार दिख रहा है, ठीक है। देखो टेक्निकल टर्म में भी आएंगे, सिंपल वर्ड में पहले समझ लो, ठीक है। ये रेड बार है, ठीक है, मतलब अपने लिए ये रेजिस्टेंस है, कहानी खत्म। ये है मतलब, देखो टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं ना, कि ये स्ट्राइक प्राइस है ना जो 19,600 है, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है पुट राइटिंग के कंपेयर में, ठीक है। कॉल को राइट कब करते हैं, जब मार्केट को नीचे गिराना होता है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं जिनको मार्केट को नीचे, उनका व्यू है मार्केट 19,600 को क्रॉस नहीं करेगा, तो वो वहां पे 19,600 का स्ट्राइक प्राइस को दम भर के राइट कर रहे हैं, सेल कर चुके हैं, ठीक है। वो इधर बैठे हैं, उनका व्यू है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने को भी ना उन्हीं के अनुसार चलना है, अपने को भी यही मान के चलना है कि 19,600 अपने लिए बड़ा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद अपना बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, बड़ा सा बार कौन सा दिख रहा है, ये वाला बार नहीं, ये वाला बार बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, 19,700, ठीक है। मतलब ना जितना बड़ा रेड बार उतना मोटा स्ट्रांग रेजिस्टेंस, कहानी खत्म। जितना बड़ा ग्रीन बार उतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है 19,500, यहाँ पे क्या है ना कि पुट राइटर्स ज्यादा बैठे, पुट राइटर्स को लगता है ना, पुट राइटिंग कब होती है, जब ऑप्शन सेलर्स को लगता है कि ये 19,500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, मतलब उनको लगता है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहने वाला है, इसके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ना इधर मार्क कर लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये निफ्टी का 50। अभी अपन लोग 19,600 को मार्क करेंगे, किधर गया किधर गया ये, ठीक है, 19,500। ओए ये क्या हो गया, चलो ठीक है। अब क्या होगा ना, अरे ये कहाँ से आ गया यार, इसको उठाओ, चलो ये हो गया। अब मार्केट में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट डेली फॉलो करना, ठीक है। अगर कल मॉर्निंग में, ठीक है, अगर कल मॉर्निंग में 19,600 के ऊपर में मार्केट ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल 19,600 के ऊपर में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और पहला ग्रीन कैंडल बना, तो वो कहाँ तक जाएगा वो यहाँ पे देखो। पहला रेजिस्टेंस अब अपने को क्या था, 19,600, उसके बाद बड़ा वाला मोटा सा रेजिस्टेंस किधर है, ये वाला 19,700, ठीक है, 500 भी है, मतलब मोटा मोटा सा है, देख रहे हो, यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट ले रहा है, मतलब छोटा वाला ग्रीन अपना स्ट्रांग, मतलब यार इतना जान लो, बड़ा सा बार रेड बार, मोटा सा रेजिस्टेंस, उसको फेल नहीं करेगा। सेकेंड आएगा 19,700 का लेवल, ठीक है, तो ये 19,600, 19,700 कहाँ गया, हाँ ये वाला लेवल, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये वाला लेवल है। वैसे जाएगा तो नहीं, पर फिर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी अपन लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट में मॉर्निंग में 5 मिनट का कैंडल ओपन होगा, ठीक है, 5 मिनट का ग्रीन कैंडल ओपन होगा, तो 19,000 जो 600 के पास ऊपर में 5 मिनट का कैंडल ओपन होगा, ठीक है, और 5 मिनट का कैंडल ओपन होने के बाद जैसे ही उसका हाई ब्रेक करेगा ना, आप लोग बाई पोजिशन बना लोगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली उस टाइम में आप कैसे श्योर हो जाओगे कि आप लोगों को बाई करना है या फॉल्स ब्रेकआउट है, पहला ग्रीन कैंडल है देन उसका सेकेंड रेड कैंडल इनगल्फिंग बनेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना। तो करेंट सिचुएशन मार्केट में कब देखते पता है, करेंट मतलब ये तो हो गया कि प्री प्लान हो गया, ठीक है। अभी करंट में देखो, ये आज का डेटा है,
आज क्या हुआ है ना कि 19,600 पे जो ऑप्शन सेलर था ना, बड़ा सा रेड का बार बना हुआ है, ठीक है। मतलब 19,600 पे आज ऑप्शन सेलर्स ने स्ट्राइक प्राइस को ना पूरा अच्छे से पूरा सेल किया है, ठीक है। उनको लगता है 19,600 के ऊपर मार्केट जाएगा ही। तो क्या होगा एग्जैक्टली पता है, अगर मार्केट यहाँ पे अगर जैसे ग्रीन कैंडल ओपन होगा ना, ये जो 19,600 में ये जो बड़ा सा यहाँ पे रेड बार बना हुआ है ना, जैसे ही 5 मिनट का कैंडल बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो ओ आई है ना, ये वाला जो ग्रीन वाला, ये बड़ा हो जाएगा और ये रेड वाला छोटा हो जाएगा। अगर जैसे ये वाला ग्रीन बड़ा और ये वाला रेड छोटा हो जाएगा, तो समझ लेना कि ऑप्शन सेलर्स जो है ना यहाँ पे ना अपना पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही ये भागेंगे ना, तो आप श्योर हो जाओगे कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और ये चेंज इन ओआई का जो बड़ा सा रेड दिख रहा है, ये रेड छोटा हो जाएगा और ये वाला ग्रीन बड़ा हो जाएगा। जैसा ही ऐसा कुछ हो जाएगा, वो आपके लिए स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगा और मार्केट तेजी के साथ भागेगा। और ये वाला जो रेड दिख रहा है ना, ये रेड भी नहीं रहेगा उस टाइम। क्या होगा ना कि ये रेड भी ना ग्रीन हो जाएगा, मतलब इधर ना ग्रीन बड़ा बड़ा सा दिखेगा और रेड छोटा छोटा सा दिखेगा, ठीक है। और ये इसी तरह से शिफ्ट होता जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा, मैं फिर से बोलूँ, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला जो चेंज इन हुआ है, जो बड़ा सा रेड बना है, ये रेड छोटा हो जाएगा और ये वाला जो ग्रीन वाला बार है ना, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लाइव मार्केट जज कर सकते हो कि आप जिस लेवल पे हो या जिस लेवल पे एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो, उस लेवल का बार कितना बड़ा है, उस लेवल पे क्या रेड बार बड़ा है या ग्रीन वाला बार बड़ा है, अगर आप बाई करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपका व्यू निफ्टी में कभी भी कहीं पे भी लगता है कि ये तोड़कर मार्केट ऊपर जाएगा, तो सीधा आना सेंसिबल चार्ट में और देखना कि जिस लेवल पे आप बाई करने की प्लानिंग कर रहे हो ना, उस लेवल पे ये वाला ग्रीन बड़ा है या रेड बड़ा है। अगर ग्रीन बड़ा है और रेड छोटा है, तो समझ लो कि आपका व्यू सही है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप एंट्री कर रहे हो अपर साइड के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो कि ये रेड बड़ा है और ग्रीन छोटा है, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। वो पहले ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाएगा ऐसा करके, जैसे ये वाला आज जो हुआ था, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, देखो तो कितना अच्छा ब्रेकआउट ये वाला दिया था, बिग बार ग्रीन कैंडल, और कितने अच्छे से सबको ट्रैप किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिग बार बना, यहाँ पे रेड कैंडल बना, अल्ले नीचे आ गया, ठीक है। तो कितने अच्छे से मार्केट ट्रैप करता है वो देख लो, ठीक है। तो एंट्री करने से पहले देख लो, अगर आप बाई पोजीशन बना रहे हो तो देखो कि आप जिस पोजीशन पे एंट्री कर रहे हो उसका ग्रीन कैंडल बड़ा और रेड छोटा। अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हो तो सेलिंग करने के लिए रेड बड़ा और ग्रीन छोटा। आप इसका रील्स ना वायरल कर दो ऑप्शन चैन में, ओआई डेटा में, जब अपने को बाई करना है, मार्केट में तेजी देखना है अपर साइड के लिए, तो वहां पे ग्रीन बड़ा रेड छोटा। सिमिलरली अगर अपने को सेल करना है तो उस स्ट्राइक प्राइस में रेड बड़ा और ग्रीन छोटा, ठीक है। ठीक है, तो गया 19,500, ये वाला लेवल है, ठीक है, 19,500 गया। हाँ यहाँ पे देखो, 19,500 पे भी ना यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। पर कल क्या होगा ना कि जैसे 19,500 के पास आएगा ना, यहाँ पे ग्रीन वाला बड़ा हो जाएगा और रेड वाला छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो ना, तो इमिडिएटली यहाँ पे बाय कर लेना इस लेवल पे आके, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, रिपीट करके देख सकते हो। और सिंपल व्यू में बोलूँ तो बस यहाँ पे 19,500 के पास कल अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल आकर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे आओ 19,500 का, यहाँ पे कहाँ गया 550, ये वाला चेंज इन ओआई देखो 19,500 पे, ठीक है। ये वाला ग्रीन और ये वाला रेड अगर छोटा हो गया
तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, घुस जाओ बाय कर लेना, आपका 50 पॉइंट कोई नहीं छीन रहा है, ठीक है निफ्टी में। और अगर यहाँ पे रेड कैंड, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होकर यहाँ पे ग्रीन जाता है, ठीक है मार्केट समवेयर इधर पे ओपन होकर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ 19,600 के पास जाता है, और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है, इमिडिएटली यहाँ पे सेल मार देना, 50 पॉइंट का टारगेट रख लेना, ठीक है। ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 19,600 पे जो है ना बड़ा सा बार बना हुआ है, ठीक है, मतलब सेलर से जो चाहते हैं 19,600 के ऊपर मार्केट गए ही नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा पिक्चर थोड़ा, ठीक है। तो चलो वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, आई होप आपको ऑप्शन चैन का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि मैं डेली निफ्टी के लेवल्स में शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।